तेजा मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, किसान नेता जिन्होंने अपने जीवन संघर्षों से शुरू किया और एक अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करके राज्य के किसानों की, वंचित गरीब लोगों की आवाज विधानसभा में उठाते रहते हैं, माननीय सतीश पूनिया जी, राज्य सरकार के पूर्व मंत्री, रामगंज मंडी के विधायक माननीय मदन दिलावर जी, मंच में विराजे सभी अतिथिगण, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी चौधरी साहब और हमारे बीच में आए किसान नेता माधोराम जी, शिक्षा की नगरी और जो खुद शैक्षणिक संस्थाएं चलाते हैं सीकर में, पूर्व जिला प्रमुख हरिराम रेणुआ जी, सभी पदाधिकारीगण, आज हम तेजा मंत्री ट्रस्ट के शपथ ग्रहण के साथ साथ उन प्रतिभाओं को जो एक किसान के घर पैदा हुई उन नौजवान योग व्यक्तियों को जिन्होंने देश के शीर्ष स्थान पर यह मुकाम हासिल किया है, तेजाजी महाराज की कृपा से जिनको लोक देवता के रूप में राजस्थान नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी पूजा की जाती है, उनके मेले आयोजन किए जाते हैं और उसके साथ साथ तेजाजी महाराज के प्रति आस्था विश्वास आज भी इतने वर्षों बाद भी अटूट आस्था है, विश्वास है और इस अटूट आस्था विश्वास के कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो जब तेजाजी मंदिर पर जाता है तो उससे कुशल होकर लौटता है। तेजाजी महाराज एक किसान के घर पे पैदा हुए, एक योद्धा के रूप में उन्होंने गांव को बचाने के लिए रक्षा का काम किया, फिर गायों की रक्षा का करते करते उन्होंने संघर्ष में घायल हुए और जो गायों के संघर्ष के बाद जो वचन उन्होंने उस समय दिया था नाग देवता को, उस वचन को पूरा किया। आज हम जितने भी महापुरुष लोक देवता उन जब कोई जयंती मनाते हैं उन सबको याद करते हैं तो हमें भी आज नई प्रेरणा मिलती है, नई दिशा मिलती है और इसी तरीके की प्रेरणा लेकर हिंदुस्तान का जाट समाज जो अन्नदाता के रूप में किसान है, जिन्होंने इस देश के अंदर अन्न पैदा कर हमारी खाद्य समस्याओं को समाप्त किया, आधुनिक नई तकनीक खेती कर समाज के और लोगों की आमदनी बढ़े, उसके लिए जाट समाज ने समृद्ध किसान, कुशल किसान, तकनीकी से युक्त किसान,
जहां जहां भी जाट समाज के लोग किसान का काम करते हैं, उन्होंने एक कृषि क्रांति के रूप में, एक हरित क्रांति के रूप में, एक श्वेत क्रांति के रूप में एक मुकाम काली हासिल कर देश का सम्मान बढ़ाया। और इसी तरीके से ये जाट का बेटा जो सीमा पर हो, चाहे अर्धसैनिक बल के रूप में हो, चाहे राज्यों की पुलिस के रूप में हो, जहां भी रहता है, उनका जिस तरीके का समर्पण संस्कार है, एक तरफ किसान पर खेत की रक्षा करना, अन्न पैदा करना, दूसरी सीमा पर रक्षा करना, ये दो संकल्प जाटों के हमेशा रहते हैं। और इसीलिए जाट समाज ने अपने संस्कार, संस्कृति, अपने कार्य समर्पण, देश के प्रति निष्ठा के कारण एक स्थान बनाया है। आज हम देख रहे हैं कि इस छात्रावास की जब नींव रखी गई थी, तब मैं भी आया था। एक सपना था कि कोटा एक श्रेष्ठ नगरी बन रहा है, प्रदेश देश का नौजवान यहां पढ़ने आएगा। हम किस तरीके से पढ़ने वाले बालिकाओं को, जो यहां पर कोचिंग प्राप्त करने आती है, उन बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार मिले, इसके लिए समाज ने मिलकर यहां महिला छात्रावास का निर्माण कराया। और आज यहां की महिलाएं, बच्चियां यहां पढ़कर कोई IIT कर रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई देश के अंदर, कोई देश के बाहर नेतृत्व कर रही है। आज दुनिया के जितने भी देश हैं, उन देश के अंदर अगर चल जाए तो IIT प्रोफेशनल मिलेगा तो भारत का नौजवान मिलेगा, अच्छा डॉक्टर मिलेगा तो भारत का मिलेगा। ये हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता है। और इस बौद्धिक क्षमता को किस तरीके से किसान ने कम आमदनी होने के बाद भी अपनी अन्न बेचकर किस तरीके से छात्रावास बने, इस संकल्प के साथ काम किया और एक छात्रावास आज तैयार हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस छात्रावास के साथ हम हमारे बेटियों को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर, संस्कार देकर, जो हमारी सबकी भावना है कि देश में आने वाली जो 21 शताब्दी हो, वह हमारी बच्चियों की शताब्दी हो, महिलाओं की शताब्दी हो, जो आज भी दुनिया के अंदर, भारत के अंदर पायलट प्रोजेक्ट, पायलट के रूप में, सेना के रूप में, अर्धसैनिक के बल के रूप में, किसान के बेटी, मैं देखता हूं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर IIT, डॉक्टर, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर रही है। ये हम सबका गौरव बढ़ा रही है, भारत का शान का गौरव बढ़ा रही है। और इस मौके पर मैं इतना आग्रह करूंगा कि हम सब किसान हैं, ये शताब्दी हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण शताब्दी है। दुनिया के अंदर जब खाद्यान्न संकट है, उस समय दुनिया के खाद्यान्न संकट की पूर्ति करने का काम भारत का है, भारत के किसानों का है। इसलिए हमारे सामने चुनौती है कि हम हमारी इस धरती से, जो हमारी धरती माँ है, उससे किस तरीके से हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं ताकि दुनिया की खाद्य संकट को पूरा कर सकें। मुझे आशा है किसान आपदा के संकट में रहता है, अभी बेमौसम बरसात होने के कारण हमारी फसलें नष्ट हो चुकी है, फिर भी किसान आत्मविश्वास, हौसले से, कभी प्रश्न नहीं होता, जब फसल नष्ट होती है तो फिर नए उत्साह के साथ नई फसल में लग जाता है। ये अगर शक्ति और सामर्थ्य उड़ जाए तो भारत के किसानों की है। इसलिए मैं आप सबको इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जो नई कार्यकारिणी ने, ट्रस्ट की नई कार्यकारिणी ने शपथ ली है, वह इस संकल्प के साथ कि किस तरीके से हम तेजाजी महाराज की कृपा से, उन्होंने जो संदेश दुनिया को दिया था, उनके संदेश, उनके संस्कार, उनका त्याग, उनका समर्पण, उनकी वचनबद्धता को लेकर किस तरीके से आगे चलें, ताकि जाट समाज में नहीं, संपूर्ण समाज में इसी तरीके से तेजाजी महाराज जिस तरीके से सर्वव्यापी, समावेशी हैं, देश के हर इलाके के अंदर उनको सब समाज जिस तरीके से पूछते हैं, आदर करते हैं, उसी तरीके से जाट समाज अपनी संस्कृति, संस्कार, राष्ट्र सेवा के माध्यम से संपूर्ण समाज के अंदर अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।